नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोग जहां भी होंगे अच्छे होंगे, हमेशा अच्छे रहें। दोस्तों, तो जय माँ अम्बे विलेज कुकिंग चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं फिर से एक नई रेसिपी के साथ, तो चलिए आप लोगों को दिखाते कौन सी रेसिपी हम बनाएंगे। तो दोस्तों, रेसिपी बनाने के लिए यहाँ पे हमने ये देखिए हरी सब्जी लिया है, जिसको सरसों बोलते हैं, इसको तिलहन बोला जाता है दोस्तों, सरसों भी बोला जाता है, तो आप लोग देख सकते हैं, तो उसी का ये पौधा है। तो ठंड के महीने में बहुत आसानी से इसको खेतों में मिल जाएगा, मार्केट में मिल जाएगा। ये सर्दियों में खाने वाली रेसिपी है दोस्तों, खाने में बहुत टेस्टी है, शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है दोस्तों। तो इसको हमने धो के साफ पानी से इसको हम कट कर लिया है। ये देखिए, आप इसको चाकू से काटिए, आप चाहे तो इसको हंसिया से काटिए। तो यहाँ पे हमने इसको चाकू से काट के, तो ये इतना है दोस्तों। तो चलिए इसकी हम रेसिपी बनाएंगे, खाने में बहुत टेस्टी है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे हमने ये देखिए, ये हमारी पकवान की बनाई कढ़ाई है, इसमें थोड़ा सा तेल है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने जो सब्जियाँ लिया है, तो एक कई तरीके से बनाई जाती है, जिस तरह जो बनाते हैं अपने अपने तरीके से बनाते हैं, तो इसको हम जिस तरह बनाएंगे आप लोगों को दिखा रहे हैं। यहाँ पे हमने कढ़ाई चढ़ा दिया है, उसके बाद हम इसको इसी कढ़ाई में डाल देंगे। तो आप चाहे तो इसको उबाल के बना सकते हैं, जैसे कि हमने कढ़ाई चढ़ा दिया है। चढ़ाने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी डाल दीजिए, उसके बाद इस जो सब्जियाँ हैं इसमें डाल के आप इसको थोड़ी देर के लिए सॉफ्ट कर सकते हैं, इसका पानी निचोड़ के आप बना सकते हैं। तो दोस्तों जिस तरह आप लोगों को हम बना के दिखाने जा रहे हैं, इससे बहुत अच्छा टेस्ट भी आएगा, इसकी जो विटामिन वाली जो विटामिन होती है, तो इसी में रह जाएगी, निकल के बाहर नहीं जाएगी। जो भाप लगा के बनाई जाती है सब्जियां, तो उसका जो पानी निचोड़ दिया जाता है, तो इसका टेस्ट निकल जाता है दोस्तों, उतना टेस्ट नहीं रह जाता है। तो इसको हम इसी तरह, अब ये देखने में बहुत ज़्यादा है, पकने के बाद ये बहुत थोड़ी हो जाएगी, इसको हम इसी तरह डाल देंगे। इसमें हम पानी नहीं डालेंगे दोस्तों, तो आप लोग देखते जाइए। अब इसको हम इस तरह थाली से ढक देंगे, ताकि ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। अब इधर हम थाली हटा के देख रहे हैं, देखिए कितना दब गया है। तो इसको हम इस तरह हम पलट देंगे, ये देखिए, ये देखिए कितना सॉफ्ट हो गया है, कितना थोड़ा सा रह गया है। तो इसको हम इस तरह, इसमें पानी छूटता है दोस्तों, ये देखिए आप लोग देख सकते हैं, इसमें हमने पानी नहीं डाला है, ये हरी सब्जियाँ हैं, इसकी पत्ती में पानी निकलता है। तो इसको हम दबा दबा के इस तरह इसका पानी हम सुखा लेंगे। तो आप चाहे तो इसी तरह निचोड़ के आप बना सकते हैं, तो ये जितना पानी है इसमें बहुत अच्छा विटामिन होता है दोस्तों, तो इसको हम नहीं निकालेंगे। आप चाहे तो उसको निकाल सकते हैं, थोड़ा सा हल्का सा इसमें कारच बनाता है, तो कोई बात नहीं, खाने में टेस्टी भी लगता है। जैसे कि करेले की सब्जी बनाई जाती है, तो हल्का सा उसमें कारुचपन आता है, तो क्या उसको फेंक दिया जाता है, तो इसी तरह इसमें हल्का सा कारुचपन आता है। इसमें सारा मसाला डाला जाता है, तेल डाला जाता है, तो खाने में टेस्टी बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका पानी हम नहीं निकालेंगे, आप चाहे तो निकाल सकते हैं, इसमें थोड़ा सा पानी अलग से डाल के आप इसी तरह बाफ लगा के इसको निचोड़ के बना सकते हैं। तो अब इसको हम इसी तरह इसका पानी हम अभी सुखा लेंगे। यहाँ पे हमारी सब्जी का पानी सूख गया है, देखिए, तो इसको हम निकालेंगे थाली में इस तरह। यहाँ पे हमने कढ़ाई से सारी सब्जी निकाल लिया, तो अब इसमें हम डालेंगे सरसों का तेल, यहाँ पे हमने थोड़ा सा जीरा दान डालेंगे, यहाँ पर हमने लहसुन की पत्तियाँ लिया है, हरी लहसुन की, आप चाहे तो इसको लहसुन की कलियाँ डाल सकते हैं, तो हमारे पास लहसुन की हरी पत्तियाँ हैं, उसको डाल देंगे। बारीक कटी हुई हरी मिर्ची डालेंगे, अब इसमें हम थोड़ा सा प्याज डालेंगे, आप चाहे प्याज डाल सकते हैं, आप चाहे ना डालिए, प्याज बिगड़ बन जाएगी सब्जी, तो इसमें हम थोड़ा सा प्याज डाल रहे हैं, आप इसको बगैर प्याज के बना सकते हैं, बगैर प्याज के बनाई जाती है सब्जी, खाने में बहुत टेस्टी लगती है लोगों को।
तो इसको हम प्याज को हम गोल्डन होने तक पका लेंगे। यहाँ पर प्याज हमारा पक गया है देखिए, तो अब इसमें हम ये सब्जी डाल देंगे। यहाँ पे हमने सब्जी डाल दी है, तो अब इसमें हम डालेंगे, यहाँ पे हमने एक चम्मच धनिया पाउडर लिया है घर के, एक चम्मच, एक चम्मच हमारी कुटी हुई दरदरा की हुई लाल मिर्ची है, एक चम्मच हमारा नमक है। तो यही सारी चीज़ें हम इसमें डालेंगे, इसी से हमारा सब्जी का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अब इसको हम इस तरह पका लेंगे। यहाँ पे हमने जो पहले सब्जी हमने सॉफ्ट किया है, इसलिए कि इसको एक साथ आप डाल के पका सकते हैं, इसलिए हमने इसको दोबारा बना रहे हैं, इसको इस तरह हम बनाए इसलिए रहे हैं कि ये सब्जी थोड़ा सा सॉफ्ट नहीं रहती है, तो इस तरह कलहाने में थोड़ा सा दिक्कत पड़ती है। अब इसको अच्छी तरह से सॉफ्ट होने के बाद इस तरह इसमें बराबर मसाला भी मिल जाएगा। उसके बाद इसमें मसाले का तरीका भी मिल जाएगा कितना हमको इसमें डालना है। देखिए अब इसको हम थोड़ी देर और पकाएंगे, इसमें जितना पानी छूटेगा हम उसको, देखिए अभी पानी इसमें छूट रहा है, इसमें हमने नमक डाला है, तो इसलिए इसको हम इस तरह हम कौछल से दाब दाब के इसको हम पका लेंगे। यहाँ पर हमारी देखिए सब्जी बनके रेडी हो गई, तो आप लोग देख सकते हैं इसका पानी अच्छी तरह से सूख गया है। तो ध्यान रखें दोस्तों, इसको बनाते समय इसको इस तरह कौछल से दबा दबा के इसका पानी सुखा लें, इसी से अच्छा टेस्ट आएगा। इसमें पानी रह जाएगा तो टेस्ट नहीं आएगा, खाने में अच्छी नहीं लगेगी। तो आप लोग देख सकते हैं कितनी रुचि रुचि सब्जी हमारी बन के, ये हमारी तिलहन की सब्जी बन के रेडी हो गई है। तो सरसों भी बोलते हैं, तिलहन भी बोलते हैं दोस्तों, तो ये देखिए खाने में बहुत टेस्टी है। बस बना के हमने रेडी कर लिया है, तो अब उसको हम गैस को बंद कर देंगे, कढ़ाई को हम खा लेंगे। जितना ही उसको सूखा पकाएंगे उतना ही खाने में इसमें अच्छा टेस्ट भी आएगा। देखिए ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने सरसों की सब्जी बना के रेडी कर दिया, तो आप लोग देख सकते हैं कितनी टेस्टी हमारी सब्जी बनी है। तो आप इसको रोटी के साथ, चावल के साथ, आप जिस तरह खाना पसंद करते हैं उस तरह खा सकते हैं, खाने में बहुत टेस्टी है दोस्तों। इसको एक बार जरूर ट्राई करिए, इतने समय सरसों का सीजन चल रहा है दोस्तों, तो बहुत आसानी से मार्केट में मिल जाती है, खेतों में मिल जाती है, आप जिस तरह आप खाना पसंद करते हैं उस तरह आप खा भी सकते हैं, इसको बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो दोस्तों अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।